everyone, and welcome back to our YouTube channel Play Microbiology. Today we will discuss some of the career options in medical field except MBBS. अगर आपने 12th PCB के साथ किया तो अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, that is to join the medical field. लेकिन आपको अब ये नहीं पता कि उस medical field में कितने सारे options हैं. आपको सिर्फ एक option पता है, that is MBBS, and second one is नर्सिंग. जी नहीं जनाब, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेडिकल फील्ड में जिनका बहुत ही बड़ा स्कोप होता है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर होता है और बहुत ही अच्छा पे स्केल होता है. ओके, तो आज हम उन्हीं सब कोर्सेज के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग के बारे में. नर्सिंग को आप बचपन से देखते आए हैं, बचपन से आप उसके बारे में सुनते आए हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. नर्सिंग का ड्यूरेशन होता है 4 years का प्लस 6 months की इंटर्नशिप होती है. ओके, इसमें 4 years तक हम थ्योरी पढ़ते हैं और 6 months की इंटर्नशिप होती है. अगर इसके स्कोप की बात करें, सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप बिहाइंड नर्सिंग. नर्सिंग में नर्सिंग करके आप आर्म फोर्सेस यानी कि मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हो एज अ नर्स. आप एज अ नर्स किसी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो. और एक और चीज़ जो आती है, आप किसी भी मतलब नर्सिंग जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आप नर्सिंग करने के बाद टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. यहाँ तक कि इन सब कोर्सेज जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सब कोर्सेज का एक सिमिलर करियर ऑप्शन है, दैट इज टीचर और टीचिंग. ओके, आप इनमें से कोई भी कोर्स करने के बाद MBBS के बच्चों को पढ़ा सकते हो. ओके, दिस इज ट्रुथ गाइस, आई एम नॉट लाइंग. आप इनमें से कोई भी कोर्स करने के बाद MBBS के बच्चों को पढ़ा सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपने नर्सिंग की है, ओके, अगर आपने नर्सिंग की है तो आप जाके नर्सिंग के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो. अगर आपने नर्सिंग की है तो नर्सिंग में हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और वो सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं MBBS के सब्जेक्ट्स के साथ. ओके, किसी ना किसी ईयर में MBBS का स्टूडेंट भी वो सब्जेक्ट जरूर पढ़ता है जो हम नर्सिंग में पढ़ते हैं. सो डेफिनेटली अगर आप उस सब्जेक्ट के साथ MSc करते हो देन आप MBBS के बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हो. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव आर द पैरामेडिकल कोर्सेज. पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बट वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द फ्यू कोर्सेज बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू कन्फ्यूज अगैन. ओके, first we will talk about the BPT, that is Bachelor of Physiotherapy. Hope you have heard about it before also. Physiotherapy में क्या होता है, physiotherapy में हम bones के बारे में पढ़ते हैं, human की body के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें duration होता है इसका 4 years का plus 6 months की internship होती है. okay, total 4.5 years BPT को complete करने में लग जाते हैं. अगर स्कोप की बात करें तो इसमें आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो या फिर आप किसी हॉस्पिटल को जाके ज्वाइन भी कर सकते हो और एज अ टीचर आप बीपीटी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो. नेक्स्ट वी हैव इज द BMLT. ओके, दैट स्टैंड्स फॉर BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी दैट स्टैंड्स फॉर BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 years का होता है प्लस 6 months की इंटर्नशिप होती है. इसका मतलब टोटल अगर हम देखें तो 3.5 years तक का इसका ड्यूरेशन होता है. स्कोप की बात करें देन देयर इज आल्सो अ ह्यूज स्कोप. यू कैन आल्सो जॉइन लैब. ओके, यू हैव हर्ड अबाउट दी पैथोलॉजी लैब्स. आप लैब ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप खुद की लैब भी खोल सकते हो. और आप BMLT के ही बच्चों को MSc करने के बाद BMLT के ही बच्चों को पढ़ा सकते हो या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन आप इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट पे MSc करने के बाद आप एलिजिबल होते हो MBBS के बच्चों को पढ़ाने के लिए. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक. एंड वन मोर थिंग दैट इज हार्डेड इन द BMLT इज दैट यू कैन ऑल्सो जॉइन द रिसर्च. You can also go for the research field. BMLT करके जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स में सब्जेक्ट में MSc करते हो तो उसके बाद आप रिसर्च फील्ड के लिए भी एलिजिबल हो. आप खुद की भी रिसर्च कर सकते हो, आप किसी रिसर्च सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हो.
Next we have is the BMM, that is BSc in Medical Microbiology. BMM में हम ज़्यादातर microbes के बारे में पढ़ते हैं. For example, microbiology, they are specialists, they are professionalists of microbiology. जितने भी लोग BMM करते हैं वो ज़्यादातर microbiology, microbes पे focus करते हैं. इसमें क्या होता है, इसका अगर हम duration देखें तो 6+3 months का three years का duration होता है और 6 months की इसमें इंटर्नशिप रहती है. इसका फर्स्ट थिंग जो होता है वो है फर्स्ट करियर ऑप्शन. अगर हम देखें तो आप लैब ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लैब ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ओके, जो बीएमएलटी वाले बच्चे होते हैं वो पैथोलॉजी लैब जाके ज्वाइन करते हैं और जो बीएमएम होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी लैब ज्वाइन करते हैं. दे दीज बोथ लैब्स आर डिफरेंट. ओके, अगर इसमें हम और स्कोप की बात करें तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, या अगर आपने एमएससी कर ली है माइक्रोबायोलॉजी में, देन यू आर एलिजिबल टू टीच एनी एमबीबीएस स्टूडेंट. आप एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, आप एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हो, एंड द मेन थिंग ऑल्सो आप रिसर्चर बन सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट वन वी हैव BMRIT. इट स्टैंड्स फॉर मेडिकल रेडियोलॉजी एंड BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी. इसमें हम रेस पर फोकस करते हैं, रेस को पढ़ते हैं, उन रेस से हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सब हम BMRIT में पढ़ते हैं. BMRIT की अगर बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप होता है. इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3+6 years का. ओके, नेक्स्ट वी हैव B Pharma. B Pharma में क्या करते हैं, B Pharma में हम स्टडी करते हैं हाउ टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द मेडिसन्स. हम मेडिसन्स को कैसे बना सकते हैं, उसकी कैसे सेलिंग कर सकते हैं, ये हम B Pharma में स्टडी करते हैं. इसका ड्यूरेशन होता है 4 years का प्लस 6 month इंटर्नशिप. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस गाइस, बट दीज फ्यू करियर ऑप्शंस आर बेस्ट आई थिंक. एंड वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू इंक्लूड हेयर, अगर आपने PCB लिया, यानी कि अगर आपने बायोलॉजी लिया, आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होगी, लेकिन 11th 12th में आते आते आपको फिजिक्स भी बिल्कुल पसंद नहीं रही होगी, तो देयर इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट दैट यू डोंट हैव टू लर्न फिजिक्स हेयर, यू डोंट हैव टू स्टडी फिजिक्स इन दिस ऑल्सो कोर्स, यू डोंट हैव टू स्टडी फिजिक्स हेयर, यू डोंट हैव टू स्टडी फिजिक्स हेयर, बट इन केस ऑफ BMRIT एंड B Pharma यू हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथ्स. ओके, सो दिस इज द थिंग. There is a plus point if you don't want to take physics, then you can choose any of them. But yes, if you have a good hand in physics and math, then you can choose one of them also. And what about the financial status? अगर हम financial status की बात करें तो इन सभी का financial status बहुत अच्छा है. आप बहुत अच्छी income generate कर सकते हैं. For example, अगर आप बैचलर्स करते हैं BMLT से, अगर आप बैचलर इंडिया से करते हैं, और अगर आप फॉरेन से इसका MSc वगैरह करते हैं, देन देयर इज अ ह्यूज स्कोप गाइस. इनका स्कोप मैं कह सकती हूँ कि इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छी एक इनकम जनरेट की जा सकती है. ओके, सो होप इट्स हेल्पफुल. थैंक यू.